नमस्कार दोस्तों, आज एक सिंगर के बारे में बात करेंगे जिसको सच मानो में मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ। इस सिंगर का नाम है सोनू निगम। दोस्तों, सोनू निगम इनका हरियाणा में जन्म हुआ है और 1973 की पैदाइश है इनकी। उम्र में बहुत कम है और सच मानो में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से म्यूजिक सीखा हुआ है। इनका जो रियाज है और इनका जो फाउंडेशन है वो बहुत बहुत अलग है। इन्होंने जहाँ भी सीखा है इनका गला इतना तैयार है और गायकी की जो समझ है वो मुझे लगता है कि इतनी समझ के लोग बहुत कम हैं। ये बहुत छोटी सी उम्र में आ गए थे बॉम्बे में दिल्ली से और इन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया था। बहुत इंडिपेंडेंट माइंड के इंसान हैं सोनू निगम। खुददारी बहुत है इन्होंने। ये कोई इनजस्टिस या कोई इनको कुछ बोल दे और बोल के निकल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बहुत अपनी जो इनकी मेहनत है उस पर इनको नाज है, जो कि होना चाहिए, क्यों ना हो। जब आदमी इतना मेहनत किया है, जब इतना उसने अपना टाइम दिया है संगीत को, तो वो संगीत पे उसको नाज होना चाहिए। ये बॉम्बे आ गए, लोगों से मिलते जुलते रहे, इनको चांस भी मिल गया, इनके गाने भी चले और इन्होंने अपना एक मुकाम भी हासिल कर लिया। एक वक्त का किस्सा ये है कि ये एक हमारा एक संघर्ष पिक्चर आई थी, उसमें एक बहुत खूबसूरत कंपोजिशन थी, वो ये गा रहे थे और गा रहे थे तो इनका ऐसा था कि ये इतना इसमें, जैसे अगर एक कमर्शियल एंगल से बताता हूँ कि अगर किसी आदमी के पास 100 करोड़ रुपया है तो उससे अगर 99 करोड़ का चेक मांगो और उसको देना हो तो वो दे सकता है। तो ऐसा ही था इनकी सिंगिंग में। इनके पास इतना ज़्यादा कैपेसिटी थी कि ये उड़ते थे, इनको रोकना पड़ता था कि नहीं भाई इतना थोड़ा कम कर लो। तो ये कम तो किया जा सकता है लेकिन अगर जो ज्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि आपका उतना मटेरियल ही नहीं है आपके अंदर। ये इनका सिंगिंग में रुतबा था। वो गाना इस तरह से था, मुझे बहुत पसंद है वो गाना। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। दोस्तों, सोनू निगम अक्सर जब कभी भी मुझे मिलते हैं उनके उनका कुछ व्यवहार मुझसे जो रहता है वो इतना करीबी रहता है कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक छोटा किस्सा ये सुनाता हूँ कि एक मैं पार्टनरशिप जब मेरी टूट गई तो उसके बाद तो कामकाज वैसा रहा ही नहीं, लेकिन जब कभी भी एक बार मैंने उनको एक गाना गाने के लिए बुलाया तो वो गाना उन्होंने बहुत प्यार से गाया और करेक्ट टाइम पर आ गए और बहुत प्यार से गाया। और जब गाना ख़त्म हो गया तो जो भी बजट था मैंने उस हिसाब से उनको वो रकम दी। तो वो बोले, देखिए जैन भाई, पैसे कमाने को तो मैं बहुत कमा सकता हूँ और मैं कमा ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकता। आप लोगों ने जो मुझे काम दिया है वही मेरे लिए बहुत है। ये बोल के वो चले गए, लेकिन फिर बाद में मैंने जो मुझसे बन पड़ा मैंने उनके घर पे भेजा। लेकिन ये बात मेरे दिल पे लिखी हुई है और ये बात मैं हमेशा याद करता हूँ, जब भी सोनू निगम को याद करता हूँ, और मेरे दिल से हमेशा सोनू निगम के लिए दुआ निकलती है। दोस्तों, सोनू निगम बहुत कैपेसिटी वाले सिंगर हैं। उनको इतना म्यूजिक डायरेक्टर अभी तक यूज़ नहीं कर पाए जितनी उनकी कैपेसिटी है, मैं ये बात जानता हूँ और बाकी सिंगर भी जानते हैं। और टाइम के हिसाब से उन्होंने अपनी सिंगिंग जो है उसको अपग्रेड किया और बहुत उसमें अच्छे परिवर्तन लाए हैं वो। बस इतना कहना चाहता हूँ कि
सोनू निगम एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे सिंगर हैं और एक बहुत काम के प्रति सिंसियर सिंगर हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर कोई कमेंट है आपके दिमाग में जो आप चाहते हैं जिस पे मैं रोशनी डालूं, तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं इसमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।